फारुक अहमद गनाई मेरा नाम है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, गांव का नाम हमारा जासो टाहब है। हमारा प्रोटेस्ट है, हमारी सिस्टर की शादी हुई थी इधर दारवन नवगाम में, वहाँ उसका मर्डर हुआ है। शिव कदर के दिन उसका मर्डर हुआ। कम से कम 2 महीने होने लगे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इसमें हमारे एसटीओ साहब, उसमें चार शरीफ एसटीओ साहब यासिर साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। शुरू से उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से की थी, लेकिन पता नहीं बाद में कोई दबाव उसके ऊपर आ रहा है। ये हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सा दबाव आ रहा है उसके ऊपर। हालांकि इस हद तक दबाव आया है उसके ऊपर जैसे कि उसने इन्वेस्टिगेशन छोड़ी थी। और फिर उसमें हमारी बहन की जब लाश हमने उठाई वहाँ से, उसका मर्डर हुआ था। हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले गए थे चार शरीफ हॉस्पिटल, जहाँ कुछ डॉक्टर साहब मौजूद थे। फिर एसटीओ साहब ने बोला मैं पर्सनली अपना एक सर्जन बुलाऊंगा, हालांकि इस केस में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं हमारी बदकिस्मती है, पोस्टमार्टम होने के बाद हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज 55 दिन हो गए, हमारा ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, ना किसी की एफएसआर, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और मुलजिम जो थे एसटीओ साहब ने, जिनके ख़िलाफ़ हमने कंप्लेंट की थी, हमने 7 मुलजिम के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की थी, जिसमें एसटीओ साहब ने बोला 4 को 3 का नाम आप एफआईआर से काट दो। 2 बार हमने एप्लीकेशन वहाँ अंदर दाखिल की, 2 बार हमारी एप्लीकेशन बाहर कर दी गई। बोला 7ों के नाम मत लिखो, आप 3 के नाम लिखो। हमारी डिमांड ये है कि हमारे साथ इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ है, जब से कानून बना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब से बेटियों को खाली मार रहे हैं। ये बेटियों के खिलाफ कानून बना है कि बेटियों के फेवर में कानून बना है? हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम 7 भाई हैं, अगर हम इस केस में दिलो जान से नहीं आगे चलते, अगर किसी गरीब की बेटी होती है, किसी गरीब भाई की बहन होती, तो क्या वो क्या करते? वो जिंदा ही मर जाते बेचारे, वो भी खुदकुशी करते। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर ऐसे आम लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हमारा खुदकुशी करने का मसला यही होगा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये मैसेज है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये हमारी बहन ने एक दिन पहले हमारी कजिन सिस्टर को भेजी थी, जब जरूरत पड़ेगी तब घर वालों को दे देना। और हमारे पास ये इसलिए सबूत है, हमारी बहन उधर अलग रह रही थी, इसका ससुर आया 1.5 साल बाद, बोला हम इकट्ठे रहेंगे, इसको अपने साथ रखेंगे। हमने बोला जिसके भाई ड्यूटी में है, हमारे 3 भाई फौज में है, हमने बोला वो ड्यूटी से आएंगे ईद के दिन इसको भेजेंगे। लेकिन उसने बोला हमने थोड़ी इसके साथ ऐसा करना है, यहाँ से ले जाएंगे वहाँ मार देंगे। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होगा हम उसी में राजी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी बेगुनाह को पकड़ो, बस इंसाफ चाहिए, जो गुनाहगार है उसको पकड़ो। मैं चाह रहा हूँ, अगर पोस्टमार्टम का उसूल है, पोस्टमार्टम का मतलब जो लीगल लॉ है, हमें 15 दिन में मिलना चाहिए या 7 डेज में। आज 56 दिन तक हम वेट कर रहे थे कि हमारे एसएचओ साहब जो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है, एफएसआर रिपोर्ट नहीं आ रहा है। मगर मैं एसएचओ साहब से कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है उससे, क्या पोस्टमार्टम सिर्फ ऑनली वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? इज़न्ट देयर आर मनी वेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन? क्या और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है? क्या खाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप फैसला करोगे? क्या कोई और जो अदर सोर्सेज है, जो वहाँ पे वो सोर्सेज यूज़ कर सकते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए? इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारी डिमांड सिंपल है। हमने ऑलरेडी आईजी साहब को लेटर लिखी है कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर लीजिए सीबीआई कश्मीर को। हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस केस को ट्रांसफ़र कीजिए सीबीआई कश्मीर को। देखिए, कज़िन ब्रदर हूँ और मैं उसी गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल कोट करना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अ रियल, इट इज़ इन आवर सोसाइटी, सो दैट इज़ वाई वी आर हियर, वी आर स्टैंड हियर, वी आर विद जस्टिस। सो हम एक गुजारिश और करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये आज एक बेटी का मसला है, कर पूरे कश्मीर का मसला होगा, इसलिए इंसाफ की बात है। इस इंसाफ की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, हम और 2 साल तक लड़ेंगे, लेकिन हम इंसाफ की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे।